हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका बीएमएस का फर्स्ट ईयर है उसमें कितने सब्जेक्ट होते, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आप ले सकते हैं और जो है आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ईयर में आपके पांच सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपका एनाटोमी हो गया, आपका फिजियोलॉजी हो गया, आपका जो है संहिता हो गई। संहिता में आपके चरक संहिता और अष्टांग हृदय करके बुक आती है जिसमें श्लोकाज होते हैं और उनके डिस्क्रिप्शन होते हैं। उसके बाद आपका जो एक सब्जेक्ट बचा वह संस्कृत है और एक सब्जेक्ट जो है पदार्थ है। पदार्थ भी संहिता से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, तो आप जब संहिता कवर करते हो, आप जब पदार्थ कवर करते हो तो संहिता कवर हो जाती है और संहिता कवर करते हो तो पदार्थ कवर हो जाती है। फिजियोलॉजी और जो एनाटॉमी है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मॉडर्न का होता है, एक आयुर्वेद का होता है। फिजियोलॉजी में जो मॉडर्न पार्ट है वह लगभग आपका 12th का है सारा कुछ, तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो 12th के बेसिस पे भी हो जाता है जो मॉडर्न पार्ट है। उसके बाद आपका जो एनाटॉमी में है तो मॉडर्न काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है एनाटॉमी में। आपका BDC सब लोग पढ़ते हैं, जो MBBS वाले पढ़ते हैं वही BMS वाले BDC बुक को प्रेफर करते हैं इसके लिए। उसके बाद जो अष्टांग हृदय की बात आती है, तो आपके कॉलेज में कौन सी बुक चल रही है, बच्चे कौन सी बुक ले रहे हैं, वही बुक आप ले। चरक संहिता में भी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, हिंदी ट्रांसलेशन आता है, वैसे ही जो है अष्टांग हृदय में भी इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन आता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, है ना। इसमें राइटर्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, सभी कॉलेजों में जो है जो भी आपका टीचर है वह अलग अलग राइटर्स को प्रीफर करता है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, है ना। तो हमने जो लिया था तो एनाटॉमी के लिए जो हमने लिया छोटा सा बुक आता है आयुर्वेदिक जो एनाटॉमी है उसके लिए, कांति करके सटने में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो बुक है काफ़ी अच्छा है और शॉर्ट में। उसके बाद संस्कृत कहाँ से पढ़े, संस्कृत के लिए बुक क्या है, तो संस्कृत के लिए एक बुक आती है संस्कृत सुधा करके, वो काफ़ी अच्छी बुक है और लगभग जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी के वो सारे उसी से आते हैं। तो वो बुक या तो आपको ऑनलाइन कहीं पे PDF फॉर्म में मिल जाएगी या कहीं पे आप ट्राई करोगे तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरे पास ज़रूर उसका PDF पड़ा होगा। तो संस्कृत सुधा एक काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप सिर्फ बुक ही करते हो तो भी अच्छा इसको ला सकते हो। बाकी जो आपके क्लास टीचर है वो ज़रूर संस्कृत को तो अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में संस्कृत का सिलेबस इतना वास्ट नहीं होता और पूरा टाइम मिलता है उनको पढ़ाने के लिए, तो अच्छे से वो आपको पढ़ा देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं संस्कृत में, जैसे विभक्ति, वचन, माहेश्वर सूत्र, वो सारी चीज़ें जो आपने पहले अगर कभी पढ़ी हो तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाएंगे आपको। वाक्य निर्माण आपको सारा कुछ जो है थोड़ा सिखाएंगे संस्कृत में, और आप सीख जाते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। जो संहिता पढ़ना है वो काफ़ी इजी लग नर जो संहिता पढ़ना है वो काफ़ी इजी लगने लग जाएगा। तो ये हो गई आपकी संस्कृत की बात। पदार्थ की बात करें, पदार्थ विज्ञान करके जो आपका सब्जेक्ट है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है और अच्छे से आप इसके अगर श्लोकाज जो है याद याद कर लेते हैं तो आपको अच्छा स्कोर ये दिलाता है फाइनल एग्ज़ाम में। इसके लिए जो है आप बुक यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है संहिता की बात अपनी होगी, पदार्थ की बात हो गई, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जो है लोग अलग अलग बुक प्रिफर करते हैं कॉलेज वाइज, तो आपके कॉलेज में जो बुक बच्चे ले रहे हैं वो बुक लेना है। जिसका मॉडर्न पार्ट है, मॉडर्न पार्ट में इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न का जो है आपका 12th से भी कवर हो जाता है। उसके बाद जो इसका आयुर्वेदिक पार्ट है वह इम्पोर्टेंट है और बहुत मतलब बड़ा मेरे को लगता है इसका आयुर्वेदिक पार्ट। इसमें वात पित्त कफ धातु अग्नि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे जो चीज़ें हैं, ऋतुएं हैं, काल है, वह सारी चीज़ें जो है इसमें आती है, तो ये काफ़ी लंबा पड़ता है याद करने में भी, तो इसको स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कैसे कैसे आपको करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।